तो सांबर पृथ्वीराज चौहान री धरती है राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान ने तो हमारा जो पढ़िया लिखिया भाईजन है पढ़ियो वेला सुनियो वेला और हमारा जो बडेरा माइत विराजमान है वहां भी सुने हैं। पृथ्वीराज जड़ो वीर नहीं होयो सजनो, एक वक्त ऐसो आयो पृथ्वीराज री दोनों आंख निकाल ली गई। चंद्र बरदाई लिखियो, हे पृथ्वी धर पलटी धरा पलटी, धर पलटी धरा पलटी, पलटी तीर कबान है। चंद्र कहे पृथ्वीराज ने तेरो दिन पलट्यो चौहान है। पृथ्वीराज री आंख निकाली, चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी ने कहो जो मारो साथी है जो हमारा राजा है ये शब्द बहदी बाण है, मतलब बिना नजर छू देखा ऐसो बाण चलावे के निशानो सीधो लाग जा। भी वक्त पृथ्वीराज री आंखें निकाल लड़ी, फिर भी आंखा के पट्टी बांध। पृथ्वीराज ने तीर चलाने को कहो, भी वक्त चंद्र बरदाई पृथ्वीराज ने कहो, पृथ्वी चल जिंदड़ी मर जाएंगे तेरा जंगल होगा बाश, ऊपर हाड़ी हड़ भावे उगी आवे घास, मां भारती रो कर्ज चुकानो है। पृथ्वी जो तीर है वो आवाज प्रकट है लागनो चाहिए मोहम्मद गोरी गए। चंद्र बरदाई के वो चार बांस चौबीस गज आंगण अष्ट प्रवाण, ता ऊपर सुल्तान खड़े हो मत चूके चौहान। भी वक्त मोहम्मद गोरी ने मारियो बे वीर अपनी धरती का हा, सांबर पृथ्वीराज चौहान की धरती है राजस्थान, नागौर अमर सिंह राठौड़ की धरती है राजस्थान। तो मेवाड़ मेवाड़ रखू या भाइयों, एक बार आपकी आवाजों में सुनना चाहूं जो मैं बोल रहे हूं वो थाने समझ आवे, अगर नहीं आवे आप विराम दे दिया, आवे तो आप एक बार बताओ मेवाड़ रखू हा। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की धरती है राजस्थान। धन धन है ये धरा, धन धन है ये धरा, जिसका मान सम्मान स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन धन है महाराणा प्रताप, जिसके आगे अकबर जैसा भी टिका। क्या फौलादी सीना था राणा प्रताप का, क्या फौलादी सीना था महाराणा प्रताप का, टकरा कर तीर भी टूट जाते थे सीने में। अरे ऐसा भगवान लहराया राणा ने हिंद पर, एक आदमी तो आदमी अरे जानवर ने जान दे दी वतन पर। आबा धरती है भाइयों, जीव जीव प्रेम करे, इंसान इंसान शु प्रेम करे, आप सब सुने हुए हैं। जापान में बहुत ताकत है नया नया आविष्कार करने की, जर्मनी में बहुत ताकत है, अमेरिका में भी बहुत है, चीन में युद्ध करने की ताकत बहुत है, पर अगर चेतक जैसा घोड़ा ने जन्म देने की ताकत है तो वह किसी धरती में है, वह धरती है अपनी राजस्थान। ओ मुरधरो देश, आप सब सुने हुए हैं महाराणा प्रताप और अकबर एक युद्ध हुयो 1576 के अंदर, जगन हल्दी घाटी युद्ध बोलिया करे और सब मारे बचा लोग फटियोड़ो है। जी वक्त महाराणा प्रताप हल्दी घाटी रो युद्ध करने वास्ते जा रहा, चेतक भाई असवार होया पांचों ढाल तलवार ले। भी वक्त महाराणा प्रताप की पत्नी चेतक ने आवाज लगाई, रे चेतक तेरे ऊपर आज कोई मामूली कर्ज नहीं है, आज तू मामूली काम करने नहीं जा रही है, आज तेरे कंधा ऊपर किलो भार है, ये मेवाड़ की आन बान और शान रो भार है। भी वक्त एक कवि दो चार लाइना बोली, महाराणा प्रताप री पत्नी चेतक ने कह रही है, चेतक ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो
मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज उनकी आज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल तो खिलवाड़ का, देना जवाब वहां शेरों की दहाड़ का। घड़िया तूफान की है, तेरे इम्तिहान की है, रखियो तू लाज उनकी आज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज उनकी आज हो। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप और जोधपुर रा कन्हैया दुर्गादास राठौड़ जेड़ो सजनों ही धरती पे कोई वीर नहीं होयो, बेवीर सुबह उठ अमलरा कुंडी घोटा नजदीक खींचता। एक कवि लिखियो, दुर्गा आस करण रिया, दुर्गा आस करण रा नितुठ भागा जाए, दुर्गा आस करण रा नितुठ भागा जाए, अमल औरंगरे उतरे दिल्ली धड़का खाए। मायण जने एड़ो जन जेड़ो दुर्गा दास, अरे मार मुराठो राखियो बिन खंबे आकाश। मायण जने तो चार जनी मत जनजे चालीस, अपनी धरती रा कवि मां ने दो लाइना कहवे हे मां, मायड़ जने तो एड़ा जन, मायड़ जने तो चार जनी मत जनजे चालीस, अरे चारू रण में धूज तार बे चारू चालीस। तो भाइयो आ धरती बा है, तो एक बार मैं जरूर आपकी तालियों आशीर्वाद चाहूंगा पापा वीरा ने, जोरदार तालियों मान सम्मान देवाला, और बहुत बहुत धन्यवाद है आज साला मंच ने और प्रधानाचार्य साहब ने भी मैंने तो बोलने रो मौको दियो, और आपसे उम्मीद करूं आप जो हमारा वीर है जो अपने लिए बलिदान दे दिया बाने कभी नहीं भूलो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। जय हिंद जय भारत।